आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के कई इलाकों में, कई विधानसभाओं के अंदर उन्होंने पदयात्रा शुरू की। पहले चरण की पदयात्रा में जनता का अद्भुत आशीर्वाद, सहयोग और प्यार मिला, और इस कारण से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बौखलाकर अरविंद केजरीवाल जी पे हमला भी किया। उस पदयात्रा को मिल रहे समर्थन के कारण भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा को रोकने की नापाक कोशिश भी की और खुलेआम गुंडागर्दी की, सुरक्षा घेरे को तोड़ के हमला किया और वीडियो बनाकर चेतावनी दिया कि हम ऐसी पदयात्रा करने नहीं देंगे। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने वीडियो बना के उस हमले का समर्थन किया। शर्मनाक बात है, अरविंद केजरीवाल से चुनाव नहीं जीत पाते, काम की राजनीति में आगे नहीं जा पाते, स्कूल अस्पताल नहीं बना पाते, फ्री बिजली फ्री पानी नहीं दे पाते, तो उनके ऊपर हमला करके उनकी राजनीति को रोकना चाहते हो, उनकी पदयात्रा को रोकना चाहते हो। लेकिन केजरीवाल जी रुके नहीं, अपनी पदयात्रा को उन्होंने जारी रखा। दीपावली का पर्व आ गया जिसके कारण से पदयात्रा स्थगित हुई थी। दूसरे चरण की पदयात्रा की शुरुआत आज से फिर से रजौरी गार्डन के इलाके से हो रही है। रजौरी गार्डन विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी की पदयात्रा की शुरुआत आज से फिर से होगी और ये पदयात्रा का क्रम पूरा नवंबर और दिसंबर लगभग सभी विधानसभाओं में केजरीवाल जी की पदयात्रा होगी।